नमस्कार दोस्तों, विमलास किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं अपना आइसक्रीम बेस लेके आई हूँ यहाँ पे और हम बनाएंगे आइसक्रीम। मैं यहाँ पे आइसक्रीम बना रही हूँ, वनीला आइसक्रीम और मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाऊंगी। तो दो आइसक्रीम्स मैं बना रही हूँ यहाँ पे। ये बेस मैंने 1 लीटर दूध में तैयार किया था, तो यहाँ पर मैं इसको हाफ़ करूँगी, 50-50 करना है हमने इसको। अगर हम पूरा 1 लीटर दूध का आइसक्रीम बनाना है तो तब हमने इसमें क्रीम जो है हैवी क्रीम डालनी है 1 कप। तो यहाँ पे मैं आधा मैं बना रही हूँ, तो इसको हम पहले हाफ कर लेंगे। अब हमारे पास जो बेस है ये हाफ़ केजी हाफ़ लीटर दूध का बेस है। यहाँ पे देखिए, हमने एक बाउल में आइसक्रीम आइस जमाई हुई है। इसमें हमने जो आइसक्रीम को तैयार करेंगे, बॉल जो आइसक्रीम का बॉल हमने नीचे रखना है, उस पर हमने आइसक्रीम बनाने वाला पॉट रखना है। अभी हम इसे हीटर से चलाएंगे। देखिए, हमारा जितना भी बेस में लम्स थे वो भी सब अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। अब हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है, तो अभी हम देखिए इसमें क्रीम ऐड कर दे रहे हैं। ये फुल ये हैवी क्रीम है हमारे पास। क्रीम डाल दी है, अपना जो व्हिप क्रीम थी वो डाला है, हैवी क्रीम बोला जाता है इसे। और इसे हमने 5 मिनट तक हमने इसे फेंटा है फ्लफी होने तक। अभी हम इसका इस बेस को भी हाफ हाफ करेंगे। ये बेस को हम रखेंगे अभी आइस के ऊपर। अब हम इसमें डालेंगे एसेंस, तो यहाँ पे हम वनीला एसेंस डाल रहे हैं। वनीला एसेंस हमारी 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें। और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर तो कुछ और नहीं डालना है हमने, सिर्फ एसेंस डालना है वनीला का। अभी यहाँ पे देखिए, मैं ये मेरा स्टील का एक टिफिन टाइप का डब्बा है, इसमें मैं इसे जमाऊंगी। ये इसमें बहुत अच्छे से आइसक्रीम जमती है। और इसे बटर पेपर, हम इसके ऊपर बटर पेपर को रख देंगे, जिससे इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी ना आए। और यहाँ पे 8 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी।
और 8 घंटे के बाद फिर से हमने इसको फेंटना है। ये इसे हम बंद कर देंगे बिल्कुल, और अब मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी। अब दूसरी आइसक्रीम हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का पहले हमने एसेंस डालना है, ये एसेंस है इसका। इसमें भी हम 1 टीस्पून के आसपास डालेंगे एसेंस। ये 1 टीस्पून हमने एसेंस डाला, इसमें कलर ऐड करेंगे रेड होने तक, जितना हमारा हमने अच्छे से रेड कलर लेना है। ये हमारा स्ट्रॉबेरी कलर है। और इसमें जो हमने शुगर डाला था, ये जो हमारा बेस बनाने के समय जो हमने शुगर डाला, हमने उतना ही शुगर ऐड किया है इसमें, क्योंकि हमारी जो हैवी क्रीम होती है वो भी मीठी होती है, इसलिए हमने ज़्यादा मीठा नहीं इसमें ऐड किया है। तो ये हमारा, अगर हम और रेड रखना चाहते हैं तो और भी रेड इसको कर सकते हैं, तो मैंने इतना ही रखूँगी यहाँ पे। और इसको भी मैं अपना एक टिफ़िन में इसे जमाऊँगी आइसक्रीम को। भी अभी हमने आइसक्रीम को इसमें डाल दिया है अपना, और इसके ऊपर भी हम लगा देंगे अपना, थोड़ा नीचे कर देंगे इसको बटर पेपर। और इसको ढक देंगे। ये हम इसको अब फ्रीज़र में रखेंगे 8 घंटे के लिए दोनों आइसक्रीम को। अभी देखिए हमने 8 घंटा हो गया है और आइसक्रीम हमारी जम चुकी है। मैंने उससे पहले इस आइसक्रीम को निकाला था तो मेरी आइसक्रीम 4 घंटे में थोड़ी जम गई थी, और मैंने इसको दोबारा बीट करा और फिर उसके बाद फिर से मैंने इसे जमने के लिए रख दिया था। तो अभी मेरी आइसक्रीम बिल्कुल जम चुकी है, तो मैं अभी इसे खोलूँगी। तो उससे पहले हमने अपने बॉक्स को अच्छे से एक किचन नैपकिन से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर जो ठंडा रहता है पानी की बूंद हमारी आइसक्रीम में नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने इसको दोबारा बीट किया था तो हमने इसका बटर पेपर हटा दिया था और इसमें हमने प्लास्टिक पेपर से इसे कवर किया था। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी आइसक्रीम जम चुकी है, सॉफ्ट है। तो हम इसको अभी सर्व करेंगे। अभी हम अपना आइसक्रीम को काटेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें क्रैक आए हैं। ये हमारी वनीला आइसक्रीम है। हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो हम इसमें ही सर्व करेंगे सबको। और ये देखिए हमारी वनीला आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और कितने अच्छे से इसमें क्रैक आए हैं। बहुत अच्छे से बनी है आइसक्रीम, सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी भी है और बनाने में भी आसान है। तो ट्राई कीजिए, और मेरी आइसक्रीम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।